शैम्पू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि शैम्पू एक ऐसी चीज है जिसको छोटे बच्चे से लेके बड़े इंसान तक अपने बालों को साफ करने के लिए हमेशा यूज करते हैं, और शैम्पू के बिना हमारा हर हेयर केयर कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप शैम्पू ही अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके बालों के साथ क्या क्या हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे शैम्पू आ चुके हैं जो ये बोलते हैं, ये शैम्पू लगा लें बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, ये लगाएंगे तो सिल्की हो जाएंगे, ये लगाएंगे तो स्मूथ हो जाएंगे। जो ऐसे शैम्पू होते हैं ना, उनसे सावधान रहना है, ऐसे शैम्पू आपको यूज नहीं करने हैं, क्योंकि जो ऐसे शैम्पू होते हैं खास करके जो आपके बालों को सीधा स्ट्रेट सिल्की शाइनी स्मूथ बनाएंगे, समझ के चलिए कि उनके अंदर बहुत सारा केमिकल है और आपके बालों का सत्यानाश होने वाला है अगर आप उन शैम्पू को यूज करेंगे। तो अगर आपको यूज करना है तो ऐसे शैम्पू यूज कीजिए ना जिनके अंदर राइस होता है, जिनके अंदर कैस्टर ऑयल होता है, जिनके अंदर एप्पल होता है, जिनके अंदर ग्रीन टी होते हैं, और जो शैम्पू हर्बल नेचुरल 100% ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ऐसे शैम्पू आपको यूज करने हैं। और जो शैम्पू आज हम घर पे तैयार करने जा रहे हैं वो है तो आपका शैम्पू ही जो आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं, लेकिन उसको हम हल्का सा चेंज करेंगे। अगर आप अपने ही शैम्पू को चेंज करके लगाएंगे ना तो अमेजिंग बेनिफिट आपके बालों पे मिल सकता है। तो ज्यादा बातें नहीं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ जाती है, थोड़ी सी भी दिल को छू जाती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का शैम्पू, तो चलिए फिर आप बताती हूँ कि आपको शैम्पू में कौन सी ऐसी चीजें ऐड करनी है जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, लॉन्ग बनाएंगी, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और आपके बालों की रीग्रोथ को भी करेगी। तो सबसे पहले आपको अपना शैम्पू लेना है। मैं ये पिंक वाला सनसिल्क शैम्पू यूज करती हूँ। मैं पहले इसको 5 साल लगातार यूज कर चुकी हूँ। बीच में मैंने एक दो शैम्पू चेंज किए हैं, लेकिन वापस फिर से मैं इसी के ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि ये मेरे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है मेरी हेयर जर्नी में, क्योंकि ये मेरे बालों को थिक एंड लॉन्ग बनाता है। ठीक है, इसके अंदर केमिकल है, आप चाहे तो इसको यूज करें, ना चाहे तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, जो लड़कियों के ऑयली हेयर है, जैसे अभी गर्मियां चली हुई है, स्वेट आता है और ऑयल भी आता है, तो ऑयली स्कैल्प उनकी नेक्स्ट डे ही बन जाती है शैम्पू करने के बाद, तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं बायोटिक का। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि मैं स्पॉन्सरशिप यहाँ पे कुछ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की यहाँ पे सोच रही हूँ और आप लोगों के लिए ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। या फिर आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ममा अर्थ का ये ओनियन वाला शैम्पू है ना, और इसका कंडीशनर भी आता है और इसका ऑयल भी आता है, बड़ा 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 मैजिकल शैम्पू है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करना है और आपके बालों की रीग्रोथ करने में भी आपकी हेल्प करता है। तो चलिए फिर आज की रेमेडी हम स्टार्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। खास करके जिन लड़कियों के पास टाइम नहीं होता है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके लिए आपको लेना है कांच का कंटेनर, ठीक है, और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, आधा गिलास पानी हमने डाल दिया है, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसके अंदर डाल लेना है शैम्पू। जैसे कि मैं 2 चम्मच के लगभग शैम्पू करती हूँ, तो मैं इसके अंदर 2 ही चम्मच डालने वाली हूँ। और फिर इंग्रेडिएंट्स डालने की बारी आती है। तो पहला हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा चावल। चावल किस लिए? आजकल तो चावल के शैम्पू भी आने स्टार्ट हो गए हैं। याव वुमेन्स चावल का यूज करती हैं, बहुत लंबे टाइम से चावल का यूज होता आ रहा है, और आप याव वुमेन्स के बालों को देख सकते हैं, 91 ईयर की लेडी है, उनको एक भी व्हाइट बाल नहीं है। अगर आप राइस लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैंने इतना लिया है, फिर हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे शैम्पू के अंदर ही 1 चम्मच के करीब चावल। मैंने ये पीस रखा है, आप बड़े वाले चावल हैं आपके पास उनको आप पीस भी सकते हैं, और आप उनको ऐसे के ऐसे भी डाल सकते हैं। प्रोटीन होता है प्रचुर मात्रा में, और इसके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जो नेचुरली तरीके से आपके बालों में शाइन और आपके बालों को स्ट्रेट बनाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है जी। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा आंवला पाउडर। आंवला पाउडर क्यों? इंडियन गूजबेरी तो फेवरेट है, फेमस है, फॉरेन में भी बहुत ज्यादा फेमस है इंडियन गूजबेरी। तो इंडियन गूजबेरी के अंदर विटामिन सी होता है, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों को बेनिफिट देते हैं। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्योंकि मैं बहुत बार आप लोगों के साथ इनके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि ये कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके बालों के लिए, ठीक है। अब इनको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप चावल लेंगे ना उतना ही आपको इसके अंदर क्या था, हाँ, आंवला पाउडर, तो अच्छे से मिक्स करना है। और लीजिए, ये हमारा घर का बना हुआ हर्बल शैम्पू, बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, ये हमारा शैम्पू बनके तैयार है। और ये अभी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, उनका बेनिफिट आपको अभी नहीं मिल पाएगा अगर आप इंस्टेंटली इसका यूज कर लेते हैं। तो आप इसे पूरे 24 घंटे के लिए रख दीजिए, यानी आप जिस दिन शैम्पू करने वाले हैं उसे एक दिन पहले आपको ये बनाना है,
ताकि जो भी हर्ब्स डाली है ना वो शैम्पू अपने अंदर उनको ऑब्जर्व कर ले, अपने अंदर उनको खींच ले और उसका पूरा बेनिफिट आपके बालों पे जा सके। और जब आप इसको नेक्स्ट डे यूज करेंगे ना तो आपको ऐसे ही यूज नहीं करना है, पहले आप इसको छान लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा और शैम्पू ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे और फिर आप ये शैम्पू यूज करके देखिएगा। एक ही बार में आपका हेयर फॉल कंट्रोल ना हुआ ना तो मुझे कहना, एक ही बार में आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर देगा। और जब आप हर टाइम जब भी वॉश करते हैं इस शैम्पू के साथ करेंगे ना तो हल्के हल्के धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये शैम्पू आपको बनाना है, पक्का बनाना है। जो लड़कियां हॉस्टल में हैं, जो लड़कियां बिजी हैं, जॉब पे जाती हैं, DIY लगाने का टाइम नहीं है, तो ये है ना आपके पास, तो ट्राई जरूर करना है, फीडबैक हमेशा याद रखना है। आपका शैम्पू आपके बालों का फूड है, जितना बेहतर शैम्पू उतने बेहतर आपके बाल, जितना खराब शैम्पू उतने आपके बाल खराब होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रॉपरली तरीके से टकले हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि आप खुद केमिकल वाला शैम्पू लगा रही हैं और हमें कुछ भी बोल रही है, तो देखिए हाँ केमिकल है लेकिन वो मेरा फेवरेट शैम्पू है, लेकिन आप उसको भी चेंज कर सकते हैं ना, जैसे आज मैंने आप लोगों को चेंज करके दिखाया है। अगर आप इस तरीके से अपने शैम्पू को चेंज करके लगाएंगे तो उसका जो केमिकल वाला इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 100% हर्बल ऑर्गेनिक केमिकल फ्री पैराबेन फ्री मिनरल ऑयल फ्री ही शैम्पू आपको अपने बालों को देना है, अदरवाइज आप दूसरा शैम्पू नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आ सकती है, न जाने और भी कितनी सारी बला 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 प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये भी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।